मंडी में भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारा संगठन नए सिरे से बना है, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली है, लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है, इसलिए हमें अब काम पर लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में महिला मोर्चा अहम भूमिका निभाता है। महिलाओं को आगे बढ़ते देख एक सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया। अब आने वाले समय में जब भी देश में जनगणना प्रोसेस पूरा होता है तो हर चुनाव में ये 33% महिला आरक्षण लागू होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महिला मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, साथ ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दों को बताएगा। कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, साल होने जा रहा है लेकिन महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिले हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को महिलाओं का श्राप लगेगा। वहीं इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री मांझली ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा अग्रणी भूमिका निभाएगा और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने कहा कि एक साल होने को है और 28 लाख महिलाएं 1500 रुपये का इंतजार कर रही हैं। झूठ के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई है और महिलाएँ इंतजार में हैं कि कब कांग्रेस के नेता उनके पास आए और कब 1500 रुपये देंगे। महिला मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी राजनीतिक दल पे, चाहे वो राजनीतिक दल में काम करते हैं चाहे वो समाज में किसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से महिला आरक्षण 33% करने के पश्चात बहुत बड़ा उत्साह हमारी माताओं बहनों में है। लंबे समय से मांग थी, जिस मांग को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, बिल पारित हुआ लोकसभा में राज्यसभा में, और उसके अतिरिक्त अभी जो लोकसभा के आने वाले समय में जो चुनाव की तैयारी है उसमें हमारा महिला मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे और सबसे बड़ा मुद्दा उस पर जो झूठी गारंटी का है, जिसमें प्रदेश की हर महिला को कहा था कि दिसंबर महीने में चुनाव के परिणाम के पश्चात पहली कैबिनेट की पहली बैठक हम निर्णय करेंगे कि 1500 रुपये हर महिला के खाते में आएगा, तो साल होने जा रहा है, 11 महीने होने को है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उसके पश्चात अभी तक भी कोई भी इस प्रकार का सरकार कर नहीं पाई है, तो झूठी गारंटी दी है और माताओं बहनों का एक तरह के इस कांग्रेस पार्टी के लिए श्राप होगा भी आने वाले लोकसभा चुनाव में, और इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के बात करने के लिए काम करने के लिए हमारी मातृशक्ति हमारी महिला मोर्चा की आज जो बैठक हुई है और उसमें बहुत सक्रियता से उनने मन बनाया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे तब तक लिए नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने और लड़ाने का निर्णय पार्टी का नेतृत्व करता है, केंद्र नेतृत्व करता है, तो अभी तक उस पर किसी प्रकार से कोई टिप्पणी करने का किसी व्यक्ति का कोई विषय बनता नहीं है। और मेरा यही कहना है कि पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है उस पर पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस सारे मामले को लेकर के कि मदद मिली है और वो झूठ बोल करके सरकार बनाए हुए हैं और झूठ बोल करके सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, इसका बहुत जल्दी जो है वो जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मालूम पड़ेगा। आगाज से हम सभी बहनों ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में महिला मोर्चा अपनी अग्रणीय भूमिका निभाएगा और आने वाले समय में हम प्रदेश की सत्तासीन सरकार कांग्रेस सरकार से और अपने माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी से अपने जो उन्होंने वादे किए थे 10 गारंटियां उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और आज 2.5 लाख महिलाएं आज इंतजार कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 1500 रुपये का। अगर हम बात करें आज एक साल होने को है सरकार को तो यह आंकड़ा 18,000 के आसपास पहुंचता है। प्रदेश की प्रत्येक महिला 18,000 आने का इंतजार कर रही है और सरकार ने कहा कि हम सत्ता में आते ही 10 गारंटियों के साथ पहली बैठक में रोजगार के नए अवसर निकालेंगे, 1 लाख नई भर्तियां हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार यह देने में असमर्थ रही है। झूठ का दम भरते हुए वह सत्ता में आई है और उन्होंने महिलाओं को भड़काने का काम इस प्रदेश के अंदर किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महिलाएँ उनका इंतजार कर रही हैं कि कब वो हमारे पास आएँ और हम कब अपना पैसा जो उन्होंने हमें कहा था देने के लिए जो वादा किया था उसको मांगें।